ओके तो आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी चार सब टाइप्स है। नाम सबके सेम ही है, सिंपल, कंटिन्यूअस, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार सब टाइप्स है इसके भी। और कब कब क्या क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो अब हम देखते हैं। ओके अब देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस ये कब यूज किया जाता है? जब हम फ्यूचर में कोई चीज जो होने वाली है, हमको लगता है कि ये ऐसे ऐसे फ्यूचर में होने वाला है, तो ऐसा जब हम बताते हैं कि ऐसा होगा, मैं कल लेटर लिखूंगी, कल मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया मैच जीत जाएगा, मतलब आगे की जब हम बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं, और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब आगे क्या होने वाला है ऐसा हम सोचते हैं या ऐसा हम विश्वास रखते हैं। ऐसी जब बात हम करते हैं तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जो सब्जेक्ट का सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल आता है। विल कब आता है और शैल कब आता है? विल ही शी ईट इनके साथ, यू के साथ या दे के साथ विल आता है, और आई के साथ शैल आता है, लेकिन आजकल आई के साथ भी विल लिख लेते हैं। ओके तो ऐसे नहीं कि आप विल लिखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आई के बाद भी आप विल अगर लिखोगे यहाँ पर, ये यहाँ पर भी अगर आप विल लिखोगे शैल के बदले तो भी चलेगा। ओके तो अब ऐसा है कि आप किसी भी मतलब किसी भी कर्ता के साथ, मतलब किसी भी पर्सन के साथ विल लिखोगे तो चलेगा। ओके तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद V1 आएगा, वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई शैल राइट अ लेटर टू हर, मैं उसको लेटर लिखूंगी, मतलब मैं लिखूंगी, ये क्या मैं बता रही हूं कि मैं अभी लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है, मैं आगे करने वाली हूँ, मतलब मैं उसको लेटर लिखूंगी, ये जब आप बताते हो तो वो कौन सा टेंस होता है? वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, शाल या विल आता है। ओके शाल आता है या विल आता है। आई शैल राइट अ लेटर टू हर, इंडिया विल विन द मैच, मतलब ये फ्यूचर का हमारा जो बिलीफ है कि इंडिया जीत जाएगा, ये हम बोल रहे हैं तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। वी विल नो आवर एग्जाम रिजल्ट्स इन मे, हमको हमारे एग्जाम का रिजल्ट कब पता चलने वाला है? मई महीने में पता चलने वाला है। तो ये सारी फ्यूचर की बातें जो है कि जो होने वाली है या हो सकती है, वो जब हम बताते हैं तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अगर इसी सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को निगेटिव में करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो आई शैल राइट अ लेटर टू हर, इसी को अगर निगेटिव करना है, ये जो सेंटेंस है इसी को अगर निगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो शैल है आई शैल, इसके बाद में नॉट लिखेंगे, आई शैल नॉट राइट अ लेटर टू हर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर टू हर, ये क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। ओके और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, ये जो शाल है ये आई के पहले शिफ्ट हो जाता है, और सेंटेंस बन जाता है शैल आई राइट अ लेटर टू हर, और आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके तो
ये इंट्रोगेटिव में याद रखिए, अगर आप ये जो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो नहीं दोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है. ओके, तो ये पंक्चुएशन मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है. तो मुझे लगता है सिंपल फ्यूचर टेंस आपको समझ गया होगा. अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई एक क्रिया फ्यूचर में, मतलब किसी वक्त में, जो वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त कंटिन्यूअस चल रही होगी. मतलब मैं कल आपको इसी वक्त पर इंग्लिश पढ़ा रही हूंगी, राइट? मैं कल भी क्लास लेने वाली हूँ ना आपका, तो कल इसी वक्त मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही होंगी. तो ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में आता है? ये आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर में किसी टाइम पर ये जो एक्शन है वो चल रही होगी, कंटिन्यूअस चल रही होगी. ओके, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी या शैल बी आएगा. तो अब हम विल बी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है. आप कभी भी, मतलब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी, किसी के भी साथ विल बी लिख सकते हो. सब्जेक्ट विल बी या शैल बी आएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट आई, ये सब्जेक्ट है, शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही होंगी, मतलब मैं आगे, मैंने अभी लिखा है क्या? नहीं, लेकिन कि एक वक्त ऐसा रहेगा या कल या दोपहर में मैं कल लेटर लिख रही होंगी. इसके आगे हम लिख सकते हैं इन, इन द नेक्स्ट डे नहीं लिखेंगे, टुमारो लिख देंगे. टुमोरो दिस टाइम, कल इस वक्त मैं लेटर लिख रही होंगी. आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टुमोरो दिस टाइम. ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए. दिस टाइम टुमोरो आई विल बी सीटिंग ऑन द बेंच इन सिंगापुर. मतलब कल इस वक्त पर मैं एक, सॉरी, बीच सिंगापुर में एक बीच पर बैठी होंगी. मतलब कल इस वक्त मैं क्या कर रही होंगी? मैं सिंगापुर के एक बीच पर बैठी रही बैठी होंगी. ओके, तो यहाँ पर क्या आता है? विल आता है, बी आता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है. देखिए, आप कीवर्ड्स याद रखिए, हर टेंस के कीवर्ड्स होते हैं. मैं ये चारों टेंस होने के बाद मैं फिर से थोड़ा रिवाइज कर दूंगी आपका. सारे टेंस के की वर्ड्स होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए, तो आपको और भी कभी कंफ्यूज नहीं होगा. तो ये क्या है? दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर. तो सिंगापुर में किसी बीच पर मैं कल इस टाइम पर बैठी होंगी. ओके, इसका अगर निगेटिव करना है ये जो सेंटेंस है, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो इसका निगेटिव जो करना है तो हम क्या करेंगे? आई विल नॉट बी, विल के बाद में या शैल के बाद में हम यहाँ पर नॉट लिखेंगे और बाकी सेंटेंस एज इट इज रखेंगे. आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे? इंट्रोगेटिव में ये जो विल है ये सिर्फ आई के पहले शिफ्ट हो जाएगा. ओके, तो इंट्रोगेटिव होगा Will I be writing a letter? और आगे आएगा क्वेश्चन मार्क. मैं लेटर लिख रही होंगी क्या? तो ये है इंट्रोगेटिव. अब अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर में किसी एक टाइम पर एक एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी. ये सब, ये जब हमको बताना है तो हम ये टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस.
परफेक्ट मतलब वो क्रिया हो चुकी है, ये परफेक्ट का मतलब है। लेकिन ये फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर में ये क्रिया हो चुकी होगी। ये जब हमको बताना है तब हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर के एक सर्टन टाइम पे वो जो क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसका फॉर्मेशन कैसा रहेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल आएगा, उसके बाद हैव आएगा और V3 आएगा। V3 मतलब वर्ब का V3 जो स्वरूप है वो आएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब का V1, V2, V3 ये तीनों फॉर्म्स आपको पता चाहिए। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। आई शैल हैव रिटर्न द लेटर बाय देन। तब तक, बाय देन मतलब तब तक मैं लेटर लिख चुकी होंगी, मतलब उस वक्त तक, जिस वक्त के बारे में पहले बात हो चुकी है उस वक्त तक मैं लेटर लिख चुकी होंगी। आई शैल हैव रिटर्न द लेटर बाय देन। ओके, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। जब तक तुम उसको देखने जाओगी तब तक उसके पहले ही वो जा चुका होगा। ही विल हैव लेफ्ट मतलब वो जा चुका होगा। कब तक? बिफोर यू गो टू सी हिम, जब तक तुम उसको देखने जाओगी तब तक वो जा चुका होगा। ऐसे हम हमारी भाषा में बोलना हमको बहुत इजी जाता है, वैसे ही सोचना कि हम मतलब जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे उसी तरह से आपको इंग्लिश में बोलना है। सोचना हिंदी में है और लिखना इंग्लिश में है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक तुम वहां जाओगी तब तक वो जा चुका होगा। ओके, उसके पहले ही वो जा चुका होगा। तो इसी का अगर निगेटिव करना होगा, अब ये सेंटेंस लेंगे, आई शैल हैव रिटर्न द लेटर बाय देन। तो इसका शैल के बाद में सिर्फ क्या आएगा? नॉट आएगा। निगेटिव करते वक्त आई शैल नॉट हैव रिटर्न द लेटर बाय देन। तो सिर्फ यहाँ पर शैल के बाद में, इस शैल के बाद में नॉट ऐड हो जाता है और निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आई शैल नॉट हैव रिटर्न द लेटर बाय देन। ओके, अब इंट्रोगेटिव अगर करना है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है, तो सिर्फ शैल की जगह आपको चेंज करनी है। आई के पहले शैल को लिखना है। शैल आई हैव रिटर्न द लेटर बाय देन। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना उसका इंट्रोगेटिव करोगे, निगेटिव सेंटेंस का नहीं। ओके, आई शैल, मेन सेंटेंस क्या है? आई शैल हैव रिटर्न द लेटर बाय देन। तो इसी का आपको इंट्रोगेटिव करना है। शैल आई हैव रिटर्न द लेटर बाय देन, और आगे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, देखिए नाम देखने के बाद पता चलता है कि ये फ्यूचर है, मतलब शाल या विल तो आएगा ही। ओके, परफेक्ट है मतलब हैव भी आएगा और कंटिन्यूअस भी है, मतलब वर्ब को आईएनजी लगेगा। ये जो नाम है ना उसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्या आने वाला है। तो फ्यूचर है इसलिए विल या शाल आएगा, परफेक्ट है इसलिए इसमें हैव आएगा, और कंटिन्यूअस है ना तो बिन भी आता है और आईएनजी भी आता है। ओके, तो इसका क्या फॉर्मेशन रहेगा? ये कब यूज होता है? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस विच विल हैव बीन गोइंग ऑन एट और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कोई एक क्रिया ऐसी है जो पहले से भी चलते आ रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको
इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और मैं आगे भी आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ, राइट? तो ये जो क्रिया है, जो ये पीछे से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहने वाली है, तो ये हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, ओके? तो बाय नेक्स्ट मार्च, इसका एग्जाम्पल, सॉरी, इसका फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शल या विल आएगा, हैव आएगा, बिन आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। बाय नेक्स्ट मार्च वी शल हैव बिन लिविंग हियर फॉर 4 इयर्स, मतलब अगले मार्च तक यहाँ रहते हुए हमको 4 साल हो जाएंगे। यहाँ रहते हुए अगले मार्च तक हमको 4 साल हो जाएंगे, तो मतलब पहले भी हम रह रहे हैं लेकिन अगले मार्च तक हमको 4 साल हो जाएंगे, मतलब हम पहले से रह रहे हैं कि नहीं। तो ये पहले से जो क्रिया चल रही है वो ही फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस, और मार्च तक 4 साल हो जाएंगे, मतलब आगे भी हम रहने ही वाले हैं, तो ये आगे भी क्रिया चलने ही वाली है, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 इयर्स, तो अगले मार्च तक हम यहाँ पर, हमें यहाँ रहने को 4 साल हो चुके होंगे, ओके? आई शल हैव बीन, शल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टुमारो बाय दिस टाइम, मतलब कल इस वक्त पर, वक्त मैं लेटर लिख रही हूंगी, लेकिन ये पहले से लिख रही होंगी और वो कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, मतलब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस मेरी चल रही होगी, ओके? आई शैल हैव बीन शॉपिंग ट्यूसडे इवनिंग, ट्यूसडे इवनिंग को मैं शॉपिंग कर रही होंगी, मतलब इवनिंग को शॉपिंग कर रही होंगी, मतलब वो शॉपिंग की प्रोसेस पहले से चल रही होगी ट्यूसडे को ही, लेकिन ये शॉपिंग की प्रोसेस बहुत लंबी नहीं है, सालों साल चलने वाली, तो उसी दिन वो क्रिया चल रही होगी और इवनिंग में भी वो क्रिया चलती ही होगी, चल रही ही होगी, ओके? आई शैल हैव बीन शॉपिंग ट्यूजडे इवनिंग, ट्यूजडे इवनिंग में मैं शॉपिंग कर रही होंगी। तो इसका निगेटिव कैसे करेंगे? ये आई शैल हैव नॉट बीन शॉपिंग ट्यूजडे इवनिंग, तो शैल हैव के बाद में, ये जो शैल और हैव है इसके बाद में नॉट लगेगा। आई शैल हैव नॉट बीन शॉपिंग ट्यूजडे इवनिंग, मतलब मैं ट्यूसडे इवनिंग को शॉपिंग नहीं कर रही होंगी, ओके? इसका इंट्रोगेटिव कैसे रहेगा? शल सिर्फ आई के पहले आ जाएगा। शल आई हैव बीन शॉपिंग ट्यूसडे इवनिंग, ट्यूसडे इवनिंग को मैं शॉपिंग कर रही होंगी क्या? ये इंट्रोगेटिव में आ जाएगा और आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसके बाद ये सारे टेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हमने 12 टेंस सीखे हैं, ओके? तो फिर से एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस, तो इसमें 4 टाइप्स आते हैं, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सिंपल टेंस में क्या होता है? ये हमारी कोई हैबिट है, या हम कोई चीज रोज करते हैं, या हम लिखते हैं, हम खाते हैं, हम गाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हम खाते हैं, गाते हैं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब आई, आई ईट ब्रेकफास्ट,
ये थोड़ा आई ईट मैंगो लेंगे हम, आई ईट मैंगोज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? कोई क्रिया कंटिन्यूअस चल रही है, मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तब वो क्रिया चल रही है, तो आई एम ईटिंग। और ये जो टेंस होता है इसमें अगर ये जो सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा जैसे कि ही शी इट, तो क्या आएगा? ये वर्ब के आगे एस लगेगा, ही ईट्स मैंगो आएगा, ही ईट्स मैंगोज। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो ये वर्ब के आगे एस लगेगा। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम ईटिंग मैंगोज। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आता ही है, ओके? और आईएनजी आता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में इज, आर, एम ये वर्ड्स, या मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या तो इज आएगा या तो आर आएगा या तो इज, आर, एम, ये तीन आएंगे आएंगे, इज, एम या आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, ओके? और ये जो वर्ब होता है उसका आईएनजी फॉर्म यहाँ पर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? आई हैव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा। और ईट के बाद में क्या आएगा? ये ईट का V3 रूप आएगा, तो ये क्या आएगा? ईटन, आई हैव ईटन मैंगोज। हैव आता है, ये देखिए परफेक्ट अगर वर्ड आपको दिखा तो उसमें हैव आएगा ही आएगा, और अगर ही शी ईट है तो उसके बाद हैज आएगा। ही शी ईट अगर है तो उसके बाद क्या लिखेंगे आप? ही हैज ईटन मैंगोज, ओके? और परफेक्ट वर्ड दिखा तो हैव आएगा, और कंटिन्यूअस वर्ड दिखा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? आई हैव बीन ईटिंग मैंगोज। ओके, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर है तो हैव बीन और आईएनजी आएगा, वर्ब को आईएनजी लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस आप ध्यान रखिए। देखिए बहुत इजी है, चार एग्जाम्पल सिर्फ आप ध्यान रखोगे तो आपको पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। अब पास्ट टेंस सेकंड, पास्ट टेंस, तो यहां पर भी नाम तो चारों सेम है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये नाम सबके सेम ही है। सिंपल पास्ट टेंस जैसा क्या हो जाएगा इसमें? जैसा यहाँ पर ही ईट, आई ईट मैंगोस था, तो यहाँ पर सिर्फ ये वर्ब की जगह पर क्या हो जाएगा? ईट का V2 फॉर्म आएगा, मतलब आई एट मैंगोज आएगा, एट मैंगोज। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ? यहाँ पर V2 फॉर्म आया, आई एट मैंगोज। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई, अब यहाँ पर तो कंफ्यूजन का काम ही नहीं है, एम नहीं आता है पास्ट में, यहाँ पर क्या आता है?
वॉज या वर, वॉज या वर। वॉज कब आता है? जब सिंगुलर है तो वॉज आएगा, जब प्लूरल है मतलब सब्जेक्ट, ये जो आई है यहां पर अगर वी है तो ये इस प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? वॉज या वेर आएगा। ओके, आई वॉज ईटिंग मैंगोज, आई वॉज ईटिंग मैंगोज। अब ये परफेक्ट लिखा हुआ है, तो परफेक्ट अगर दिखा आपको तो आपको, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो हैव आएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट अगर है तो हैड आएगा, आई हैड, और V3 आएगा। तो हैड या हैव अगर आपको दिखा तो उसके बाद में V3 ही आता है। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये V3 है ईटन, तो उसी तरह हैड के बाद में भी V3 ही आएगा, तो यहां पर भी क्या आएगा? ईटन, आई हैड ईटन मैंगोज। ओके, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट दिख रहा है, पास्ट दिख रहा है मतलब, पास्ट परफेक्ट दिख रहा है मतलब हैड आएगा, आई हैड, और आगे कंटिन्यूअस भी है तो इसलिए बीन आएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, आई हैड बीन ईटिंग मैंगोज। तो ये चारों एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, क्या क्या किया मैंने चेंज यहां पर, यहां पर सिर्फ V2 यूज किया है, यहां पर वॉज या वेर यूज करेंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, हैड यूज करेंगे और V3 यूज करेंगे, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, हैड बिन और वी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ओके, अब हम फ्यूचर टेंस देखेंगे, फ्यूचर टेंस में क्या करना है, सिर्फ विल या शल यूज करना है, और वो तो अभी देखा है, याद होगा आपको फ्यूचर टेंस। ये सिंपल सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर में विल या शैल आता है तो हम यहां पर विल ही यूज करेंगे, आई विल ईट मैंगोज। आई विल ईट मतलब यहां पर विल हुआ और ये V1 आया, यहां पर ये V1 और यहां पर विल। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या आएगा, आए अभी फ्यूचर है इसलिए विल या शैल तो आता ही है, तो हम विल ही लिखेंगे, फ्यूचर है इसलिए विल लिख दिया, अब कंटिन्यूअस है तो इसलिए यहां पर बी आएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, तो ईटिंग आएगा, आई विल बी ईटिंग मैंगोज, मतलब मैं मैंगो खा रही होंगी, राइट, मैं कल मैंगो खा रही होंगी, कल तुम जब आओगे तब मैं क्या कर रही होंगी, मैंगो खा रही होंगी। ओके, अब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट फ्यूचर दिखा तो विल तो आएगा ही, आई विल, अब परफेक्ट दिख रहा है यहां पर तो क्या आएगा, हैव आएगा, आई विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब का V3 फॉर्म आएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ईटन, आई विल हैव ईटन मैंगोज। ओके, ये विल हैव और V3, ये इतना याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट के लिए, ये तीन चीजें याद रखना है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये क्या हो जाएगा, आई विल, फ्यूचर है इसलिए विल तो आएगा ही, परफेक्ट है इसलिए हैव आएगा, और कंटिन्यूअस है इसलिए बिन आएगा और आगे आईएनजी फॉर्म आएगा, आई विल हैव बीन
ईटिंग मैंगोज, मतलब मैं मैंगोज खा रही होंगी। लेकिन ये देखिए यहां पर भी इसका मतलब भी ये है कि आई विल बी ईटिंग मैंगोज, इसका भी मतलब है कि मैं मैंगोज खा रही होंगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये ज्यादा लंबी प्रोसेस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये है, थोड़ी लंबी प्रोसेस है, मतलब ये पहले से चलने वाली क्रिया है और आगे भी चलने वाली रहेगी। लेकिन ये क्या है, ये मैं कल खा रही होंगी, ये एक सिंपल है कि मैं, तुम जब आओगे तब मैं क्या कर रही होंगी, मैं मैंगोज खा रही होंगी। लेकिन ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें थोड़ी लंबी प्रोसेस है, पहले भी मैंगोज खा रही होंगी वो और बाद में भी वो मैंगोज ही खा रही होगी। ओके, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आएगा क्योंकि ये बहुत खाने वाली क्रिया बहुत लंबी नहीं होती है, लेकिन इस तरह से आपको इसको यूज करना है। ओके,